ये उन दिनों की बात है। जीबीआर, मैं नैना से पूछ रहा था कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। बैड जोक। गिव मी योर नोटबुक, गिव मी योर नोटबुक। जीबीआर वो, गिव मी योर नोटबुक। मुझे देखना है तुमने वो सब लिखा है या नहीं। जीबीआर, As I had expected, कुछ नहीं लिखा। अरे जेबियर, कर दी ना आपने वही वाली बात। लड़के का पैन नीचे पड़ा तो बेचारा लिखेगा कैसे। है ना जेबियर जी। हाँ जेबियर, मैं वही तो कह रहा था, कब से मैं नैना को कह रहा हूँ पैन उठा के वापस दे दे, पर वो मान ही नहीं रही है। है ना नैना? नैना, is that true? That true? Yes, JBR. और JBR, मैंने पूरे 50 बार प्लीज बोला, तभी भी नहीं मान रही है। 50 times? Oh, that's very bad, Naina. Come on, इसकी बात मान लो. Give him the pen. Thank you, Naina. Good. Sit down. Thank you, Naina. Suffer. Thank you, JBR. Munna, thank you. Naina, अब तो JBR ने भी कह दिया, अब तो चलो ना प्लीज। नहीं। धूप दिखाने के लिए। अच्छा सुन, मैंने तेरे लिए बादाम वाली दूध बनाई थी, पी लिया ना? अभी मेरा दिल नहीं है। दिल नहीं कर रहा है मतलब? भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, तुझे पता है ऐसी हालत में ना औरत को अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखना चाहिए। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। वरुण जी, मुझे पता था आपका फोन आएगा। पूछा तुम बात को और बढ़ाने पे क्यों तुली हुई हो? मतलब? मैंने तुम्हें कहा भी था कि बिट्टू भाभी से माफी मांगो, लेकिन तुम। वरुण जी, मैं एक बार अपनी बेइज्जती करवा चुकी हूँ, मुझे बार बार नहीं करवानी। अपनी मम्मी से बात कराओ। हाँ मम्मी, मम्मी ताई जी के घर गए हैं। पूजा, हाँ? किसका फोन था? वो उनका फोन था। अच्छा ठीक है, ये दूध पी ले। नहीं मम्मी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है, फिर मैं दामाद जी को फोन करके बोल देती हूँ। देखो तू दूध नहीं पी रही। नहीं, 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 मैं पीती हूँ ना, पीती हूँ। पागल। नैना सुनो ना, नैना इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी फिल्म है, प्लीज चलो ना। समीर नहीं। अरे क्या नहीं, नहीं लगा रखा, अब तो मान जाना। नहीं। अरे स्वाति, अरे एक फिल्म की तो बात है बस। नहीं नैना, प्लीज मान जाओ ना। नहीं समीर। नैना रेड रोज चले कुछ खाने? प्रीति तुम चलो ना, हम बाद में आते हैं। ठीक है बाय। प्लीज मान जाओ। नहीं। अब नैना प्लीज मान जाओ ना। समीर मैंने कहा ना। हाय। आ गई कबाब में हड्डी। अरे कामयाब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो प्रीति वहां ढूंढ रही है। प्रीति? कुछ जरूरी काम है उसको शायद, कह रही थी मुझसे। हाँ इनफैक्ट वो तुम्हारा वेट भी कर रही है रेड रोज कैफे में। ओके। तुमने काम्या से झूठ क्यों बोला? ताकि मैं तुम्हें सच समझा सकूं। कैसा सच? यहाँ नहीं समझा सकता, यहाँ समझाऊंगा ना तो कोई ना कोई डिस्टर्ब करेगा। चलो कहीं और। कहाँ? चलो ना बताता हूँ। नहीं। अरे अरे चुप चुप, कहीं और कहीं और कहीं और कहीं और चलो।
क्या चलो तो चलो तो बोला ना नहीं मतलब नहीं। समीर तुम तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम पागल हो गए हो? प्रिंसिपल के रूम में? चिंता मत करो, लंच का टाइम है, अभी यहाँ कोई नहीं आएगा। चलो यहाँ से। क्यों? मेरा दिल धक धक कर रहा है। वही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, बेटा फिल्म में ना एक बहुत हिट गाना है। तियारा तो मेरा डर रहा है कल वाली बात से, और तुम कह रहे हो कि बाती मुन्ना बहुत भूख लग रही है। हमें खा ले, चल कुछ खा। हमारा व्रत है आज। व्रत है मतलब? ऐसा कर तू कैंटीन चली जा, हमारे जा। पाला पंडित आज बड़ा सुंदर लग रहा हाथ। मैं क्या कह रहा था, देख घबराने की जरूरत नहीं है, कल की बात थी, समझ रही है ना मैं क्या कह रहा? क्या रहा भाई, सत्यनारायण की कथा हो रही है, अरे तू भी मंजीरा बजा ले। देख नहीं रहा हमारी जरूरी बात चल रही, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ऐसा कर तू रेड रोज चला जा, समीर वगैरह सब यहाँ भी आते हैं ना। अच्छा 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 जा। फ्रॉक वाली पंडित मैं क्या कह रहा था, देख इंसान को ना बीती बातें भूल जानी चाहिए। नहीं भूल सकती, कह रहे कि मुझे कल की बात याद आ रही है। अगर तुम्हें कोई देख लेता तो? मगर किसी ने देखा तो नहीं ना। मुन्ना और स्वाति को तो देख लिया ना। सोचो अगर ताई जी स्वाति के घर पर फोन करती थी तो? अगर ताई जी मम्मी को फोन कर देती तो मेरा कॉलेज वाले सब बंद हो जाता। कॉलेज में मैं कह रहा हूँ मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। सुन मुन्ना, जल्दी चल मुन्ना, अंदर तो आ। कहाँ लेके जा रहे हो? अंदर तो आ। एक मिनट, देख ना हमें यहाँ कोई डिस्टर्ब करेगा और ना कोई हमारी बात सुने। यहाँ बैठ। बॉयफ्रेंड देखने के लिए चलेगी ना? नहीं। क्यों नहीं? भूल मत स्वाति, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। तुमने तो मुझे सिखाया है कि जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। नैना प्लीज अब तो मान जाओ, चलो ना फिल्म देखने, सच में एकदम फैमिली वाली फिल्म है, प्लीज। ठीक है तो मैं चली जाऊंगी अपनी फैमिली के साथ। मजाक मत कर यार, मैं सीरियस हूँ ना, मतलब नो। तो समझ क्यों नहीं रही है? समझ तुम नहीं रहे हो। अगर किसी ने हमें हॉल में जाते हुए देख लिया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने मुन्ना और स्वाति ने परफेक्ट प्लान बनाया हुआ है। स्वाति मान गई? मान गई? अरे नैना का ही तो आईडी था फिल्म जाने का। मैं नहीं मानती। अरे कसम से
बस अब तो यकीन हो गया ना। अच्छा मेरे लिए ना सही तो नैना के लिए मान जाना यार। नहीं मुझे नहीं जाना। आखिर ये तुम्हारी और स्वाति की दोस्ती का सवाल है, वैसे भी कल वाली बात से उसका मूड खराब है, फिल्म देखेगी तो मूड ठीक हो जाएगा। अब प्लीज मान जाओ ना प्लीज। ठीक है अगर स्वाति ने हाँ कर दी है तो मैं सोच के बताऊंगी। यस ठीक है अगर नैना जा रही है तो मैं सोच के बताऊंगी पक्का। ठीक समझे आप, मेरी कॉलेज लाइफ का अगला स्कैंडल होने वाला था। 90s में कॉलेज जाने वाला हर इंसान जानता था कि चाहे पाप कहो या स्कैंडल, लेकिन कॉलेज बंक करके फिल्में देखने जाना हर किसी का फेवरेट एडवेंचर हुआ करता था। और सच कहूं तो शायद हर किसी के पास इस महास्कैंडल की कई सारी कहानियां भी होंगी, क्योंकि आज तो दोस्तों के साथ फिल्म जाना ऐसी बात है जैसे पड़ोस की दुकान से चाय की पत्ती लेने जाना। लेकिन उन दिनों फिल्म देखने जाना वो भी लड़कों के साथ बहुत बड़ी बात होती थी। तभी तो समीर ने मुझे और मुन्ना ने स्वाति को मनाने के लिए जी जान से कोशिश की थी, मानो वो हमें फिल्म दिखाने नहीं बल्कि चांद पे ले जा रहे हो। वैसे उन दिनों एक लड़का लड़की का एक साथ फिल्म देखने जाना चांद पे जाने से कम नहीं था। इतनी पाबंदियां जो थी, लेकिन उसका भी अपना ही मजा था, क्योंकि कई बार गांठ जितनी टाइट बंधी हो उसे खोलने में उतना ही मजा आता है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही मेरे चेहरे का रंग उड़ा था जब मैंने आपके घर से भागने की बात सुनी थी। अरे मुझे तो पहले से ही शक था, ये लड़की के लक्षण ठीक नहीं थे। इतनी बार सोचा कि मैं आपको बता दूं, लेकिन आपको फुर्सत कहां है? ओ भाई आप घर में रहोगी तो पता चलेगा ना कि लड़की क्या गुल खिला रही है। देखिए थोड़ा सोच समझ के तो बोलिए आप। ओ भाई ना समझी की बात उनके घर में हो रही है और समझाइश का पाठ मुझे पढ़ाया जा रहा है। अरे शेफाली की माँ, मैंने अपने कानों से सुना है सब कुछ, ऐसे हवा में बातें नहीं कर रही हूँ मैं। आपने कैसे सुना? क्रॉस कनेक्शन हो गया था। शेफाली और अर्जुन की लव स्टोरी में क्रॉस कनेक्शन का डेंजरस ट्विस्ट आया हुआ था। उन दिनों घरों में भले ही टेलीफोन का कनेक्शन होना कॉमन नहीं था, लेकिन टेलीफोन में क्रॉस कनेक्शन होना बहुत कॉमन था। कभी तो दो औरतें अपनी अपनी बहुओं की बुराइयां कर रही होती थी, तो कभी कोई रोमियो अपनी जूलियट से प्यार की गुटरबू। तो कभी किसी मियां बीवी की आपसी नोक झोंक हो रही होती थी। न जाने कहां गए वो दिन। नहीं मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ओ भाई इसको कहते हैं सफेद झूठ। अरे हम भी लड़कियों वाले हैं, दूसरे की बेटी पे ऐसे ही झूठा लाछन लगाएंगे। शेफाली की माँ सच तो कह रही है। ठीक है आप लोग जाइए, मैं शेफाली से इस बारे में बात करूंगी। ओ भाई बात तो अभी ही होगी। अरे शरीफों का मोहल्ला है, कल को हमारी बच्चियां इनके लक्षण देख के बिगड़ गई तो। ताई जी आपको मैं सीधे सीधे बता दे वो लड़का कौन था जिसके साथ तू फोन पे टिचकू टिचकू टाई टाई कर रही थी प्यार में। ताई जी आप किसकी बात कर रही है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ओ भाई शेफाली सीधे सीधे बताती है तू कि। अरे मैं कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। देखा फोन पे बात करते हुए सुना था ना? हाँ अपने कानों से सुना था। सब कान से ही सुनते हैं।
मम्मा मुझे लगता है ताई जी झूठ बोल रही है, या फिर इन्होंने किसी और से बात करते हुए सुना होगा। क्योंकि हमारा फोन तो सुबह से डेड है। ओ भाई, सुन लिया आपने, हो गई तसल्ली। वाह, ये क्या नाटक लगा रखा है। सुबह तो फोन लगाया था परले बाबू के लिए, अच्छा खासा फोन चल रहा था। अभी पता चल जाएगा हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जय बजरंगबली। ठीक ही तो कह रही है शेफाली, फोन डेड है। ये क्या नया नाटक है दोनों का। अरे मैंने अभी अभी सुना, टू 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 की आवाज आ रही थी अच्छी खासी। उन दिनों फोन डेड होने पे ऐसा लगता था जैसे सच में किसी की डेथ हो गई हो। एकदम सन्नाटा, उदासी, बेचैनी, घबराहट, मातम का माहौल, जैसे आजकल हम लोगों को मोबाइल की बैटरी डेड होने पे लगता है, बिल्कुल वैसे ही। और उन दिनों डेड फोन को जिंदा करने वाला टेलीफोन एक्सचेंज का लाइन मैन किसी देवता से कम नहीं लगता था, जो हजार मिन्नतें करने के बाद ही प्रकट हुआ करता था। अगली बार किसी की भी बेटी पर उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचिएगा। सच कह रही हूं मैं भाई, मैंने अपने कानों से सुना था। बस अभी आप चले जाइए यहां से प्लीज। थैंक्स अर्जुन। जाने दे मुझे मत रोक, जाने दे मुझे मत रोक, जेवीआर ने कहा बैड जोक। पंडित रेगुलर समीर के मामा जी की आवाज निकाल रहा है और मामी की भी। अभी लो, मुन्ना ने तुझसे फिल्म जाने की बात की क्या? समीर ने तुझसे पूछा? अरे इसमें क्या, अरे ऐसी आवाज निकालूंगा कि मजे आ जाएगा। है नहीं। यार तुझे क्या लगता है, ये दोनों मानेंगे? उम्मीद तो है। मामी का ये भी कोई सैंडविच है? भाई गॉड, इससे अच्छा सैंडविच तुम्हारे बॉम्बे में मिलता है, बॉम्बे में। तूने हाँ कर दी समीर को, साथ ही सांस देना। अंकल जी, पाव भाजी भिजवाई, रुको मैं खुद लेके आता हूँ, फिर देखना, मजा ही आ जाएगा भाई, पाव भाजी लाती मजा आ जाएगा। अरे यार समीर, यार मेरी भाई आँख फटक रही है, मुझे नहीं लगता है दोनों मानेंगी। नैना शायद मान भी जाए, पर ये फ्रॉक वाली पंडित है ना, बहुत जिद्दी है, मुश्किल लग रहा है इसका मुझे। तू टेंशन मत ले, इन्हें तो हम मना ही लेंगे, तू बस इस बात का ध्यान रखना कि ये बात कामना प्रीति और पंडित तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना भी वजह हमारे साथ चुपकेंगे।
हाँ सही कह रहा है यार तू, अगर तीनों साथ में चिपक गए ना तो पूरे प्लान का गुलगुमर हो जाएगा। वही पहला पहला प्यार, पहला झगड़ा, पहली जुदाई, पहली बाइक राइड, मेरे और नैना की स्टोरी में सभी कुछ बहुत आराम आराम से हुआ और हर इस पहले का जादू कुछ अलग ही होता है। पर इस कॉलेज के पहले साल में जो पहली आजादी मिली थी, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट इट, इन फैक्ट आई रियली वॉन्टेड टू हैव दिस, पहली मूवी देखने का एक्सपीरियंस विद माई लव, माई नैना। और उसके लिए मैं नैना को मनाने के लिए कुछ भी कर सकता था। आखिर बात पहली मूवी, पहले पॉपकॉर्न, पहले कोल्ड ड्रिंक और सबसे ज्यादा पहली बार वाले एहसास की थी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।